नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 14 स्थानों पर राज्य में आयोजित होगा श्रावणी मेला। बिहार के स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव। एस सिद्धार्थ ने जारी किए नए निर्देश। राज्य के 36 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। 48 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना। नदियों में उफान के साथ उत्तर बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। विश्व चैंपियन टीम ने गाया वंदे मातरम गाना। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 14 स्थानों पर राज्य में आयोजित होगा श्रावणी मेला। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही प्रदेश में 14 स्थानों पर श्रावणी मेले की भी शुरुआत की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को एक महीने तक चलने वाली इस मेले की समुचित तैयारी का दिशा निर्देश दिया गया है। इस श्रावणी मेले का आयोजन बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, मुजफ्फरपुर में 2 स्थानों बाबा गरीबनाथ और बाबा दूधनाथ मंदिर परिसर, पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित शिव मंदिर परिसर, हाजीपुर, सोनपुर के पहलेजा घाट, पूर्णिया का धीमेश्वर स्थान मंदिर, बेगूसराय का बाबा हरि गिरिधाम स्थान, मधुबनी में भैरव श्रावणी मेला और जहानाबाद में वानावर श्रावणी मेला शामिल है। बता दें कि इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से फिलहाल 5,46,86,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य के 36 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। 48 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावना। शुक्रवार की सुबह पटना, मुजफ्फरपुर और नवादा में बारिश हुई, जबकि गुरुवार देर रात तक मुंगेर व कई शहरों में बारिश के साथ बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई तक पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र तल से 105 किलोमीटर ऊपर तक एक रेखा उत्तर पूर्व राजस्थान से बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए गुजर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में भारी बारिश की संभावना है। आज प्रदेश के 36 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अररिया से अंग्रेजी शराब के साथ 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। अररिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अररिया पुलिस द्वारा असम और पश्चिम बंगाल से लाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है। इस मामले में अररिया पुलिस द्वारा 5 शराब तस्कर को भी अपने गिरफ्त में लिया गया। गिरफ्तार तस्कर में 3 मुजफ्फरपुर और 2 असम के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नरपतगंज थाना पुलिस द्वारा NH-57 पर कार्यवाही करते हुए एक ट्रक से 1,152 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कामयाबी जो कि हाट थाना क्षेत्र से मिली, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए NH-327E पर ट्रक में लादे 1,329 लीटर विदेशी शराब के साथ असम के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बिहार के स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव। एस सिद्धार्थ ने जारी किए नए निर्देश। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने भी पूर्व SCS के पाठक के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला लिया है। अब पाठ्यक्रम के आधार पर सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई होगी और अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है तो अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शिक्षक पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की ओर से निर्देश भेजा जा चुका है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पोस्टिंग और वेतन को लेकर हो रही बड़ी गड़बड़ी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 4 से 5 महीने से 200 से अधिक अधिकारियों को वेतन नहीं मिल रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो कार्यालय तो आ जा रहे हैं मगर उनके पास कार्यालय में कोई काम ही करने को नहीं है। वजह है कि प्रमोशन करने के बाद संबंधित पदों पर इनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। कुछ की जिन जिलों या बंदोबस्त कार्यालय में पोस्टिंग की गई है वहां पद नहीं है और कुछ को तो ऐसे कार्यालयों में पोस्टिंग कर दी गई है जहां स्वीकृति पद 3 है जबकि तैनाती 13 अफसरों की कर दी गई है। जबकि राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में भूमि सुधार उपसंहारता का पद है मगर एक भी पद पर राजस्व सेवा के अधिकारी की पोस्टिंग नहीं की गई है।
नदियों में उफान के साथ उत्तर बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। मानसून के प्रवेश के साथ ही उत्तर बिहार में बाढ़ की चिंता लगातार बढ़ रही है। अभी तक गंगा नदी तो खतरे के निशान से पीछे है, मगर कोसी और गंडक नदी उफान पर है और जिस वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डुमरिया घाट में, गंडक और बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बूढ़ी गंडक, घाघरा और पुनपुन नदी के जल स्तर में भी लगातार वृद्धि का क्रम जारी है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों व इंजीनियरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो साथ ही बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा काफी बढ़ जाने की वजह से निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों के पालन करने और संभावित निकासी के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बिहार में शराबबंदी का दिख रहा सकारात्मक असर। बिहार में शराबबंदी का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। शराबबंदी की वजह से बिहार में घरेलू हिंसा के करीब 21 लाख मामलों को रोका गया है। इसकी वजह से कई लोगों के सेहत में भी सुधार हुआ। इस बात की जानकारी द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में दी गई है। राष्ट्रीय और जिला स्तर के स्वास्थ्य व घरेलू सर्वे के आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण प्रभाव अमेरिका सहित शोधकर्ताओं की एक टीम ने विश्लेषण किया है, जहां ये सभी जानकारी सामने आई। 5 दिनों तक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक रहेंगे बंद, नहीं हो सकेंगे कोई कार्य। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 13 जुलाई से 5 दिनों तक बंद रहेगा, जिस वजह से इन 5 दिनों में बैंक में कोई कार्य नहीं होगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी संगठनों के संयुक्त फोरम द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए 15 से 16 जुलाई को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं 13 जुलाई को दूसरा शनिवार है, जबकि 14 जुलाई को रविवार है। तो इसके साथ ही 17 जुलाई को भी बैंक का अवकाश है। इस प्रकार दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कुल 5 दिनों तक बंद रहेगी। बैंक कर्मचारियों की मांगों के संबंध में बैंक के प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उत्तर बिहार को मिलेगा बाढ़ से निजात, संजय झा ने की केंद्रीय टीम के साथ बैठक। उत्तर बिहार में बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टीम आज पटना पहुंची और जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। यह पूरी जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय झा की ओर से दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही, यात्रियों के सामान को पटना छोड़ हुई रवाना। विमान सेवा कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंडिगो से सफर कर रहे यात्री पटना से मुंबई पहुंच गए, मगर उनका सामान पटना में ही रह गया। घटना बुधवार की शाम की है, जब फ्लाइट पर सवार लगभग 125 यात्री मुंबई तो सही समय पर पहुंच गए, मगर वहां जाने के बाद कई यात्रियों को उनका सामान नहीं मिला। सामान नहीं मिलने पर नाराज यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा किया। तब इंडिगो की ओर से गुरुवार शाम तक उनका सामान सुरक्षित घर तक पहुँचाने की बात कही गई, मगर गुरुवार शाम तक भी यात्रियों को उनके सामान वापस नहीं मिले। छात्राओं से नामांकन शुल्क वसूलने पर कॉलेजों को सख्त निर्देश। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन सभी अंगीभूत और संबंधित कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी श्रेणी की महिलाओं से धड़ल्ले से नामांकन शुल्क की वसूली की जा रही है। अवैध रूप से की जा रही नामांकन शुल्क की वसूली को रोकने के लिए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश देकर अवैध नामांकन शुल्क की वसूली को रोकने के लिए कहा गया है और साथ ही शिकायतों के आधार पर कॉलेजों को स्पष्टीकरण भेजने को भी कहा गया है। वहीं कॉलेजों की ओर से नामांकन के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्द ही एक कमेटी गठित किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से इस्तीफा लेकर राजनीतिक बेसरमी दिखाई। डॉक्टर संतोष सुमन, चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं अब चंपई सोरेन के सीएम पद से छोड़ने को लेकर सियासी पारा भी गर्म है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने चंपई सोरेन के इस्तीफा देने और हेमंत सोरेन के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने पर कहा है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेता चंपई सोरेन से 156 दिन बाद इस्तीफा दिलवा कर राजनीतिक बेसरमी दिखाई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिना दोष मुक्त हुए फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की अलिखित नैतिक अपेक्षाओं का अपमान किया है।
15 दिन में 12 पुल गिरना सामान्य बात नहीं, तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पुलिया और बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर शुक्रवार को बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है तो दूसरा इंजन अपराध में। उन्होंने आगे लिखा कि 15 दिन के अंदर राज्य में 12 पुलों का गिरना कोई सामान्य बात नहीं है, यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। बिहार भाजपा का बदल सकता है प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार बीजेपी में बड़े फेर बदल के आसार दिख रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक राज्य में पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। एक व्यक्ति एक पद के नियम के कारण सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। वहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे ऊपर संजीव चौरसिया और जनक चमार का नाम माना जा रहा है। तो वही मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पद से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इस बात को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। विश्व चैंपियन टीम ने गाया वंदे मातरम गाना, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल। भारतीय क्रिकेट टीम का बारबाडोस से वतन वापसी के बाद गुरुवार 5 जुलाई को पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। सबसे पहले भारतीय टीम कल दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिली, जिसके बाद शाम को मुंबई में विजय परेड निकाली गई जिसमें टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 लोगों की मौजूदगी में भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक एआर रहमान का देशभक्ति गीत वंदे मातरम गाते हुए दिखाई देते हैं। बीसीसीआई द्वारा भी यह वीडियो शेयर किया गया है। इसमें विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा समेत सभी अन्य खिलाड़ी जोश के साथ वंदे मातरम सॉन्ग को गाते हुए दिखाई देते हैं और फैंस भी खिलाड़ियों का साथ दिखाई देते हैं। वीडियो हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, देवांती कुमारी, स्टार चौहान, प्रदीप कुमार, रोशन कुमार, रकीब रजा, बाबुल मरांडी, बादल रॉय गुप्ता, उमेश ऋषिदेव, अर्जुन राम, उत्तम कुमार दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजू कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद असगर कमाल, गोनर शर्मा, नीलम कुमारी, शंकर कुमार चौधरी, सादुल्ला पाल, वी अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में एक बारिश के मौसम में बिजली की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।